दुनिया में मौजूद कई नेशनल पार्क में हुई अनसुलझी और रहस्यमय घटनाएं। द डेविल्स डेन, ये घटना है 1946 की, जब 8 वर्षीय बच्ची कैथरीन वेनोस, जो अपनी फैमिली के साथ डेविल्स डेन स्टेट पार्क में थी, अचानक आधी रात को अपने कैंप से गायब हो गई। उसकी तलाश की गई तो वो 6 दिन बाद एक गुफा में बैठी हुई मिली। वो गुफा उसके कैंप से जहाँ से वो गायब हुई थी वहाँ से लगभग 48 किलोमीटर दूर और 183 मीटर की ऊंचाई पर थी। सर्च पार्टी के लिए रहस्यमय बात यह थी कि उसे आवाज़ देने पर कैथरीन बिल्कुल शांति से गुफा से बाहर निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरी बात यह थी कि वो इतना दूर और इतना ऊपर कैसे पहुंच गई, वो भी बिल्कुल अकेली, और उसे खरोच भी नहीं आई। ये सच में उनके लिए एक रहस्य था। कुछ लोगों का मानना है कि कोई चीज़ उसका पीछा कर रही होगी इसलिए उतना दूर निकल गई। कुछ लोग इसे एक पैरेलल इवेंट मानते हैं कि शायद कोई साया उसे वहां ले गया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो है डेविल्स डेन नेशनल पार्क में जो लोग वहां जाने पर असहज महसूस करते हैं। माउंट शेस्टा, ये चोटी कैलिफोर्निया के शेस्टा ट्रिनिटी नेशनल फॉरेस्ट में स्थित है। ये जगह भी अजीबोगरीब घटनाओं से भरी पड़ी है। कुछ मॉडर्न थिंकर्स मानते हैं ये जगह पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर पॉइंट है। सन 1931 में ये पूरा माउंटेन आग की चपेट में था, लेकिन वहां अचानक से एक धुएं का गुबार उठा और उसने जंगल में लगी सारी आग को बुझा दिया। ये अजूबा कैसे हुआ कोई नहीं जानता। कई लोग इस जगह को फिफ्थ डायमेंशन यानी पांचवें आयाम का रास्ता भी बताते हैं, और उनका कहना है ये जगह दूसरे ग्रहों से आने वाले यानों का एनर्जी सप्लाई स्टेशन है। यहाँ के लोकल विलेजर्स के मुताबिक उन्हें बड़ी बड़ी इंसानों जैसी आकृतियाँ बहुत दूर से ऑब्जर्व करती रहती है। लोग इन्हें पुराने योद्धाओं कारुक, जो एक सुपर ह्यूमन थे, उनसे भी लिंक करते हैं कि वो लोग अपने तबाह हुए शहर लिमूरिया के ऊपर चक्कर काटते रहते हैं और इस जगह पर होने वाली सारी रहस्यमय घटनाओं के लिए वही जिम्मेदार हैं। ये पूरा एरिया सेफ सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो ही जाती है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क दुनिया के सबसे फेमस नेशनल पार्कों में से एक है, जो 5000 स्क्वायर फीट किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये पार्क अबूझ पहेलियों और रहस्यों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर रहने वाली एक पुरानी आदिवासी प्रजाति थी, होपी। कुछ लेखकों का मानना है कि उन आदिवासियों ने इस कैनियन में एक अंडरग्राउंड किला बनाया था। होपी आदिवासी अपने भगवान मौसा में बहुत विश्वास रखते थे। वो उन्हें कीपर ऑफ डेथ यानी मृत्यु का देवता मानते थे। उनका मानना था मौसा इस कैनियन में किसी स्पेसिफिक जगह पर रहते हैं, और अगर रात में किसी तरह की विचित्र रोशनी आपकी तरफ आगे बढ़ रही है या आपको अपने आसपास चट्टानों और पत्थरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है तो समझ लो गॉड मौसा आपके पीछे हैं। कई लोग इसे केवल एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है जब भी उन्हें पत्थरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है उसके तुरंत बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तनाव होने लगता है और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मिस्टीरियस फोर्सेस इन वॉशिंगटन वुड्स। ये घटना वॉशिंगटन के जंगल में हाल ही में हुई थी। 27 जनवरी 2018 में ओलंपिक नेशनल पार्क में एक इनविजिबल पावरफुल फोर्स ने लगभग 100 से ज्यादा पेड़ों को गिरा दिया। ये नज़ारा काफी भयानक था। एक्सपर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बहुत ही तेज हवा के झोंके ने इन पेड़ों को गिराया होगा, जो कि सुनने में असंभव लगता है क्योंकि इतने पेड़ों को एक साथ गिराने के लिए आपको कई लाखों गुना फोर्स और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मौसम विभाग के हिसाब से वातावरण में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, ना ही कोई तूफान आया और ना ही भूकंप। उस एरिया में लैंडस्लाइडिंग होने की भी कोई पुष्टि नहीं हुई। उस वक्त जो लोग उस पार्क में घूम रहे थे उन्होंने भी इसका अनुभव किया था और उन्हें काफी तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। इस जगह पर कई पेड़ जमीन से पूरी तरह उखड़ गए थे तो कई पेड़ बेस से टूटकर पूरी तरह जमीन पर आ गिरे। अभी तक इस आश्चर्यजनक घटना का कारण पता नहीं लग सका है। ये घटना सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस घटना के बाद कई लोगों ने अपने दिमाग में अपने तरह से ही कई तरह की स्टोरीज भी क्रिएट कर ली। कुछ ने थ्रिल के लिए इसे किंगकॉन्ग से तो कुछ ने गॉडजिला से जोड़ दिया। जोक्स अपार्ट, ये घटना बहुत ही असाधारण थी। हवाइन फायरबॉल्स। हवाइन वोल्केनो नेशनल पार्क हवाई आइलैंड में मौजूद है, जिसे बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी मिस्टीरियस भी है। 27 मार्च 1998 की रात को यहाँ एक नीली रोशनी के साथ तेज धमाका हुआ और इससे आसमान गरज उठा। आवाज सुनके आसपास के लोग बाहर आए। साथ में आसमान में जो पायलट उस वक्त उड़ान भर रहे थे उनके मुताबिक एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट उनसे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, और अचानक उनके प्लेन के अंदर का टेम्परेचर 3 गुना बढ़ गया। उन्हें लगा ये कोई उल्का पिंड है, लेकिन आसपास के रहने वाले लोगों ने इसे बिल्कुल नकार दिया। वो लोग कई सालों से इस जगह पर रह रहे थे और उनका मानना था ये कोई उल्का पिंड नहीं है बल्कि उनके हवाइयन गॉड है जो अब गुस्से से जाग गए हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसानियत के विरुद्ध हो रहा है
वो उससे नाराज है। केवल यही नहीं, आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आसपास के कई लोगों ने इन वल्केनो के पत्थर को अपने घर में भी रखा हुआ था, लेकिन वो लोग उन्हें दोबारा से उसी जगह पर रखा है, क्योंकि उनका मानना था कि जब से उन पत्थरों को लेकर आए हैं उनके साथ बहुत सी अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही है। जिसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हवाईन वल्केनो के ये पत्थर शापित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी वो लोग रात में ऑफिस से अपने घर आते हैं तो कुछ आत्माएं उनका पीछा करती है और उन्हें दूर से कई तरह की काली परछाइयां भी नजर आती है। आखिर इन हवाईन वल्केनो के पत्थरों में ऐसा क्या राज छुपा है जो लोग इनसे इतना डरते हैं? आपको क्या लगता है, इस मिस्ट्री के पीछे कोई विज्ञान है या कोई अदृश्य शक्ति? आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोचक काउंटडाउन वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कई और रहस्यमयी और रोचक घटनाओं के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।